आवश्यक मिर्चीय परिपथ चित्रानुसार चित्रानुसार दर्शाया गया। धारा के चुंबकीय प्रवाह को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक विद्युतीय परिपथ चित्रानुसार दर्शाया गया है। पहला हम लिखेंगे, एक नंबर लिखेंगे, जब पूंजी के को खोल कर रखा जाता है, जब पूंजी के को खोल कर रखा जाता है तो परिपथ से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, परिपथ से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है जिससे चुंबकीय सुई अपने स्थान पर स्थिर बना रहता है। दूसरा नंबर, जब पूंजी के को ऑन किया जाता है, तो परिपथ से होकर धारा प्रवाहित होती है जिससे चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होती है, जिससे चुंबकीय सुई में क्या उत्पन्न होती है तो विक्षेप उत्पन्न होती है, विक्षेप उत्पन्न होती है। ये फिर हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर, यदि धारा की दिशा को विपरीत कर दिया जाए, यदि धारा की दिशा को विपरीत कर दिया जाए तो चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है, योगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे, फिर देखते हैं चौथा नंबर, यदि
यदि धारा की प्रवलता को बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय सुई तेजी से विक्षेपित होती है। इससे क्या स्पष्ट होती है? इससे यह स्पष्ट होता है कि जब किसी चालक तार से धारा प्रवाह होती है तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। यही ऑस्टेड का पॉलिटिक्स, उसको लिखना है। इससे यह स्पष्ट होती है कि जब किसी चालक तार से धारा प्रवाह होती है तो उस चालक तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। यही ऑस्टेड का प्रयोग है। यही ऑस्टेड का प्रयोग, ठीक। तो हम लोग यह देख लिया ऑस्टेड का प्रयोग। क्या ऑस्टेड का प्रयोग था? पहला हम लोग देख लिए, जब कुंजी के को खोल कर रखते हैं तो परिपथ से कोई धारा प्रवाह नहीं होती है, जिसे चुंबकीय सुई अपने स्थान पर स्थिर बना रहता है। दूसरा हम क्या देख लिए, जब कुंजी के को ऑन करते हैं तो परिपथ से होकर क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, जिससे चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होती है। तीसरा में हम लोग देखते हैं, यदि धारा की दिशा को अगर विपरीत कर दी जाए तो चुंबकीय सुई की दिशा भी क्या होती है, चुंबकीय सुई जो होती है विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न करती है। चौथा हम लोग क्या देख रहे हैं, यदि धारा की प्रबलता को और बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय सुई जो होती है तेजी से क्या होती है, विक्षेपित होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब किसी चालक तार से धारा प्रवाह होती है तो उस चालक तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। यही ऑस्टेड का प्रयोग है, ठीक। अगला क्लास में फिर हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का कैसे निर्धारण करते हैं। यह आज का लेक्चर नंबर आपका था 1। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। रोज ऐसे करके क्या करना है, हम क्या करेंगे, नोट्स यहाँ पर क्या करेंगे, सब लिख देंगे। आप लोग क्या करना है, जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप लोग क्या करना है, नोट्स कर लेना है, ताकि क्या करें, जैसे ताकि बीच में क्या है, मिटा देते हैं तो कोई है ना क्वेश्चन का जो नोट जो लिख रहे हैं आपका, ताकि कोई ना छोड़े, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।